राजू परदेसी भक्ति चैनल, सब लोग खोलिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जब छोटा सा बच्चा रहता है कितना बोलता है, पापा ये क्या है वो क्या है। एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से बोल रहा था, पापा वो क्या है। कौआ एक बैठा हुआ था छत में, तो पिताजी ने कहा बेटा कौआ है कौआ। बच्चा थोड़ा घूम के आता, कहते पापा वो क्या है। तो पिताजी बोलते बेटा कौआ है कौआ। 10 बार लड़का बोला, पिताजी ने बड़े प्यार से बिना डांटे बिना गुस्साए ये बोले कि बेटा वो कौआ है कौआ। वही बेटा बड़ा हुआ, बाप बूढ़ा हुआ। जब बाप बूढ़ा हुआ तो कान बहरे हो गए, आंख से कम दिखने लगा, खाट में पड़े। एक दिन एक दोस्त आया मिलने के लिए, बेटा का दोस्त। तो बूढ़ा सोचता कि लगता है कोई घर में आया है, आवाज हो रही लेकिन दिखाई ठीक से नहीं दे रहा। तो बेटा से पूछता है बेटा कौन आया है। कहा मेरा दोस्त है, लेकिन थोड़ा पिताजी बहरे थे सुन नहीं पाए। फिर पिताजी ने पूछ दिया बेटा कौन है। कहा सुनाई नहीं पड़ती, कितनी बार बोलेंगे मेरा दोस्त आया है। लेकिन बाप फिर भी नहीं सुन पाया। तीसरी बार पिता ने फिर पूछ दिया बेटा कौन आया। बेटा को बड़ा गुस्सा आया, कहा बूढ़ा पड़ा पड़ा चिल्लाते रहता, कितने बार बताऊंगा कि दोस्त आया दोस्त आया। संत वहीं पर खड़े हुए थे, संत दोनों दृश्य को देखे थे, उसके बचपन का दृश्य भी उसके बुढ़ापे का दृश्य। कहा बेटा यही बाप है, जब तुम छोटे थे 10 बार पूछते थे कि पापा ये क्या है वो क्या है, तो पापा बड़े प्यार से बोलते थे बेटा ये फलानी चीज है फलानी चीज। आज आपके पिता बूढ़े हो गए हैं, सुन नहीं पाते देख नहीं पाते, तो आप झुंझला के बोलते हैं कि चुप रहते नहीं बनता, बड़बड़ करते रहते हैं कौन आया चुपचाप पड़े रहो। एक आवाज में एक धमकी में पिता की बोलती बंद कर देते। जिस पिता ने जिस माँ बाप ने बच्चे को बोलना सिखाया, आज बच्चे बड़े होके उसी माँ बाप को चुप रहना सिखाते, कहते चुप रहो। इसी में भलाई है। अगर सास बहू का झगड़ा हो रहा है तो पति क्या कहता है, बेटा क्या कहता है, माता जी चुप रहो, मम्मी चुप रहो, तुम चुप रहो। आज माँ का ही मुंह बंद कर देते।